राम पुरुषोत्तम शर्मा साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आप ज़िला धूमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूलर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इस पे हम आपको बहुत बहुत स्थिति आपकी क्या रहेगी कि आपको ज़िला धूमपुर में? शुक्रिया भाई साहब, आपने जो कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में कमज़ोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही बात कि आगे की जो रणनीति है, हनुमान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मुझे इस काबिल समझा और जे मुझे मेरी जे कोशिश रहेगी कि मैं गांव-गांव जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो घर घर पहुँचाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा कि हम पार्टी को मजबूत करें और आने वाली जो इलेक्शन है उसमें जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे उनको बाहरी मतों से जिताने की कोशिश करेंगे और पार्टी हाई कमांड जनाब फारूक साहब, उमर साहब के हाथ मजबूत करेंगे। कमज़ोर का मतलब ये है सर कि पिछले कई सालों से ज़िला उधमपुर में कांग्रेस का कभी भी विधायक नहीं बना, कहीं ना कहीं संगठन की कमज़ोरियां आज तक रही होंगी और उन कमज़ोरियों का हल निकालना अब आपके कांधे पे बहुत बड़ा बोझ है। तो आप जनता के बीच में जाकर और किस तरीके से, क्योंकि आजकल समस्याएं लोगों के बीच में बहुत बढ़ चुकी हैं, यहाँ पानी की बिजली की हम बात करें, देहातों में मैं बहुत जगह पर गया हूँ जहाँ रोड नहीं है, ज़िला उधमपुर में पानी नहीं है, बिजली की बहुत समस्या है, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचने की कोशिश करोगे? देखिए, आपने सही कहा कि हमारी काफ़ी समय से जहाँ पर सीट जो है वो नहीं निकली, पहले एक बार हमारे पार्टी के स्वर्गीय पंडित अमरनाथ शर्मा जी थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस चनैनी गोल्डी से सीट निकाली थी। उसके बाद हमारे बाढ़ की इलेक्शन में हमारे गोपाल स्वामी पजाला जी ने बाढ़ की सीट निकाली थी और चौधरी हाशमदीन जी थे, उन्होंने भी सीट निकाली थी, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात आपने बोला कि गांव-गांव में आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, रोड के लिए तरस रहे हैं, स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जी आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हमारी पार्टी की सरकार रही, हमारी पार्टी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। आज भी आप इधर से धार गद्दियाँ जो है वो बड़ी दूर है, आज भी वहाँ पर आप जाओगे तो हमारे स्वर्गीय चुनीलाल खजूरिया जी जो MLC बने थे, उन्होंने आज भी वहाँ पर डिस्पेंसरी जो बनवाई थी, आज भी वो वहाँ पर फंक्शन कर रही है। और हमारी जब भी पार्टी की सरकार रहती है वो नहीं देखती है हमें वोट मिले या ना मिले। आज तक डेवलपमेंट उधमपुर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो गोल मार्केट बनी हो, वो पंडित अमरनाथ जी ने बनवाई थी, हमारा टाउन हॉल जो है पुराने वाला वो पंडित अमरनाथ जी ने बनवाया था, हमारे डिग्री कॉलेज, PTC, BSF सेंटर, जितने भी जहाँ पर हॉस्पिटल जो है शेख साहब ने बनवाया था, आज उधमपुर में जो हाउसिंग कॉलोनी, सिर्फ एकमात्र उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र एक कॉलोनी है जो हाउसिंग कॉलोनी है, उसके बाद जहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं बनी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। बाकी जितने भी जहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाए हैं। हमने और हमारी पार्टी ने ये नहीं थे वो सोचा कि हमें वोट नहीं मिलते हैं तो हम जहाँ पर काम नहीं करेंगे। देहातों में हमारी सरकार जब पिछली सरकार रही है उमर साहब की, तो हमने नए यूनिट जो बनवाए थे, हमने पंचायरी में जो पुरानी मांग थी वहाँ पर हमने तहसील बनवाई है, मोंगरी में तहसील बनवाई है, हमने गोल्डी में तहसील बनवाई थी, लेकिन वहाँ पर जो नई सरकार आई है वहाँ पर उन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों की खिदमत करती रहती है, लोग चाहे हमारे साथ चलें या ना चलें, लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो संगठन है, वो लोगों के पास जाता है और अपनी बात जो है उनके सामने रखते हैं और कहीं कोई ना कोई वजह होती है जिससे लोग जो हैं, पता नहीं उस वक्त क्या हो जाता है
डेवलपमेंट करवाने के बावजूद, सारे काम करवाने के बावजूद भी हमें बोर्ड नहीं देते हैं। लेकिन बोर्ड हर जगह बोर्ड की बात नहीं होती है। हमारी पार्टी का जो सिस्टम है, हमने यही हमें पार्टी वालों ने हाई कमांड ने हमें आदेश दिया है कि आपने लोगों के पास जाना है और लोगों की आवाज़ बनना है। ठीक है सर। सर जैसे बात करते हैं हम कि लोगों की सोच, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़िला उधमपुर में तहसीलें ब्लॉक नए बनाए, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ किए हैं, तो अब लोगों की सोच बदलने में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अगर आप रूरल के बने हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ का कोई भी कहीं का भी MLA बनता तो रूरल से ही डिसाइडेड होता है, क्योंकि रूरल एरिया के लोग जो हैं वही MLA बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो उनकी सोच बदलने में अब आपका योगदान कैसा, आगे किस तरह का रहेगा कि आप अपनी जो आपने तहमीर व तरक्की काम यहाँ किए हैं वो उन तक पहुँचाएँ आप? देखिए ऐसा है कि आप बहुत जल्दी हमारी पार्टी ने मेंबरशिप ड्राइव जो है वो शुरू करने लगे हैं। हम घर घर जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मात्र पार्टी है जो तीनों खितों का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठे रखती है और हर रीजन में कोई भेदभाव हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, चाहे वो जम्मू रीजन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी जमात है जो सभी को साथ लेकर चलती है। हम यही पैगाम जो है लोगों के बीच जाएंगे और आने वाली जो इलेक्शन है उसमें लोगों को उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करवाएं।